हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.4 से, क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। भाई क्या कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, हमें ये क्यूबॉइड है इसकी क्या निकालनी, हाइट निकालनी। लेकिन हुज बेस एरिया, जो बेस है ना, ये बेस इसको बोलते हैं, बेस ये नीचे वाला साइड है, जो ये इसके ये क्या बनने का, ये रेक्टेंगल में आ गया, ये वाला ये है ना, जो ये और ये, ठीक है, रेक्टेंगल में इसका बेस एरिया दे रखा, कितना दे रखा, 180 सेंटीमीटर दे रखा हमें, और वॉल्यूम कितना दे रखा इसका, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका एरिया कितना दे रखा हमें, 180। अब हमें देखो वॉल्यूम कितना दे रखा, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल समझो इसको, ठीक है। अगर एरिया ऑफ द बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस, बेस क्या हमारा रेक्टेंगल साइड में क्या होता है, L इंटू बी होता है, ठीक है। जब हमें मालूम है वॉल्यूम क्या होता है हमारा, L इंटू बी इंटू एच होता है, और वॉल्यूम हमें कितना दे रखा, 900 मीटर दे रखा, 900 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा, और L इंटू बी, एल इंटू बी क्या है, ये बेस है ना, जो हमारा बेस, इसका तो एरिया दे रखा मैं, बेस का एरिया क्या L इंटू बी होता है, वो कितना दे रखा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो एच हमें निकालना है भाई, ये ठीक है। अब देखो, अब एच निकालना तो नीचे आ जाएगा, देखो 900 ये वॉल्यूम की जगह रखा गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड ऑलरेडी दे रखा, कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा, और जो ये L इंटू बी है ना, ये बेस है, ये बेस वाला जो नीचे वाली साइड है उसका एरिया दे रखा, ये क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है, उसका 180 दे रखा हमें, ओके। तो ये सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, ठीक है, एच, ये नीचे आ जाएगा 180, तो 180 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो एक से ये कट जाएगा, दो है तो दो से कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, सेंटीमीटर कटेगा, बचेगा जीरो से जीरो, और 9 कितना होता, 90 होता, तो हमारा क्या रहा, 5 सेंटीमीटर क्या आई, हाइट आ रही, अगर हमारी हाइट क्या आ रही, हाइट इक्वल टू हमारा आ रहा 5 सेंटीमीटर, ओके।